हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो हार्ट का शेप होता है बच्चों, और उसके जो क्या फंक्शन होता है वो पढ़ लिए थे बच्चों। और उसका जो हमें बच्चों जो थियोरी है वो लिखना बाकी है बच्चों। जो उसका फंक्शन का तो लिख लिए थे, और उसका जो थियोरी है तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, थियोरी ऑफ हार्ट। थियोरी ऑफ हार्ट बच्चों, तो इसमें अब हम लोग लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे बच्चों फर्स्ट में, जो कि हार्ट है, हार्ट इज फोर चैम्बर, जो कि हार्ट चार चैम्बर है, और जो कि दो ऊपर चैम्बर्स जो कि आर एट्रिया, एंड उसके बाद दो हार्ट। यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं बच्चों, ये हो गया हार्ट इज फोर चैम्बर। और आगे हम लोग, तो हार्ट इज फोर चैम्बर, दो अपर चैम्बर CHAMBE, दो अपर चैम्बर तब बच्चों, टू अपर चैम्बर आर एट्रिया, एंड टू लोअर चैम्बर आर आर जो कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्री VENTRI वेंट्रिकल्स हो गया बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे जो कि बोथ बोथ दी एट्रिया आर सेपरेटेड बाय, और जो कि दोनों एट्रिया सेपरेटेड है, इंटर एट्रियल सेप्टम से बच्चों, और जो कि विच इच थीन एंड मस्कुलर होता है, और आगे लिखें बच्चों वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाई इंटर वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाई वेन वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड जो बाई इंटर वेंट्री कूलर सेप्टम से होता है बच्चों, जो कि वो विच इच ठीक होता है एंड मस्कुलर होता है बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड सेपरेटेड बाय राइट एवी, जो कि एट्रियो वेनस होता है बच्चों, एवी का फुल फॉर्म राइट एट्रियो वेनस सेप्टम। और इसमें लिखेंगे विच हैज एन ओपनिंग, जिसका ओपनिंग होता है बच्चों GARDED गार्डेड ओपनिंग, जो ओपनिंग होता है बच्चों ओपनिंग ओपनिंग गार्डेड बाय, जो कि बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। और आगे लिखेंगे लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट
वेंट्रिकल आर लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय लेफ्ट एवी, और इसको हम लोग आट्रिया वेनस बोलते हैं बच्चों, जो कि लेफ्ट आट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करते हैं बच्चों, आर बाय लेफ्ट आट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेट बाय लेफ्ट एवी आट्रियो वेनस सेप्टम, और इसमें आगे लिखेंगे बच्चों, आगे इसमें लिख लेंगे विच लेफ्ट विच हैज एन ओपनिंग, विच हैज एन ओपनिंग, जो ओपनिंग होता है बच्चों लेफ्ट एवी होता है, एवी यानी आट्रिया फोरामिन, और ये आगे हो जाएगा एवी फोरामिन और गार्डेड बाय बाई कस्पिट, और आगे इसी में लिख लेते हैं गार्डेड बाई कस्पिट और मिट्रल वाल, और आगे लिखें बच्चों वाल ऑफ वेंट्रिकल, वाल ऑफ वेंट्रिकल हैज सम स्मॉलर रिजेज, सम स्मॉलर रिजेज कॉलमनेई, सम रिजेज कॉलमनेई और कार्नेई एंड सम, जो कि सम रिजेज कॉलमनेई और कार्नेई है, और बच्चों सम लार्जर रिजेज, जो कि सबसे लार्जर रिजेज है बच्चों पैपिलरी मसल्स, और इसी में अब हम लोग आगे लिखते हैं इसके आगे वाले पॉइंट, यहाँ तो दिखिए बच्चों आपको आगे, इसी में हम लोग आगे का पॉइंट लिखेंगे, आगे का पॉइंट लिखेंगे बच्चों पेपिलरी मसल, और आगे हम लिख लेंगे सम इन इलास्टिक फाइबरस, सम इलास्टिक फाइबरस कॉर्ड्स जो होता है बच्चों कॉर्डेई हो गया कॉर्डेई टेन डिनियई आर प्रजेंट है बच्चों, जो कि प्रजेंट बिटवीन ए भी यानी आट्रियोवेनस वाल्व, ए भी आट्रियोवेनस वाल्व्स और एंड पेपिलरी मसल्स जो कि बच्चों विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड करता है बच्चों, बैक फ्लो ब्लड प्रिवेंट करता है फ्रॉम वेंट्रिकल टू आट्रिया, और आगे बढ़ाते बच्चों एट दी ओपनिंग ऑफ पुलमनरी, जो कि ओपनिंग होता है एट द ओपनिंग ऑफ पुलमनरी एरोटा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पुलमनरी, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पुलमनरी सेमी लूनर वाल्व आर प्रजेंट, और आगे पॉइंट हो जाएगा बच्चों
एट द ओपनिंग ऑफ आरोटा, एट द ओपनिंग ऑफ आरोटा फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल आरोटिक सेमी लूनर वाल प्रेजेंट होता है बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रोनी स्टेज के समय, जब बच्चा एम्ब्रोनी स्टेज में होता है तो इसमें आगे लिखेंगे बच्चों, हेवेरसियन वाल्व, जो एम्ब्रोनी स्टेज में बच्चों हेवेरसियल वाल्व होता है जो प्रजेंट होता है बच्चों, और वो प्रजेंट एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा इनटू राइट आट्रियम। और आगे लिखें बच्चों, एट द ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा इनटू राइट एट्रियम, जो कि स्टैचियन वाल्व प्रेजेंट होता है, स्टैचियन वाल्व प्रेजेंट। और आगे लिखेंगे एट ओपनिंग ऑफ कोलुमनरी साइनस इनटू राइट एट्रियम, जो कि थीवेसियन वाल्व प्रेजेंट होता है, थीवेसियन वाल्व विच प्रेजेंट। और आगे हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देखें बच्चों, तो यहाँ तक हमने देख लिया, आगे हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देख रहे हैं बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते बच्चों, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो इसमें हो जाएगा बच्चों वर्टिब्रेट हार्ट हो जाएगा बच्चों, वर्टिब्रेट हार्ट, मायोजेनिक या इम्पल्स फॉर हार्टबीट जनरेटेड बाई हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स। और इसके आगे हम लोग लिखें बच्चों, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हार्ट 1% ऑफ कार्डिक मसल जो होता है गेट अवर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म नोडल टिश्यू
और अब हम लोग ऐसे नोट के बारे में बच्चों यहीं पे लिख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे नोट ऐसे नोट जो कि साइनो एट्रियल नोड होता है बच्चों, साइनो एट्रियल नोड, और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, या इसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं, पेस मेकर, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द अपर अपर राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम और क्लोज टू ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना वेना केवा, जो कि एस भी होता है बच्चों, और इसमें इट हैज हाईएस्ट रेट ऑफ जेनरेशन ऑफ इम्पल्स एमंग द नोडल टिश्यू। सो इसलिए बच्चों इट रेगुलेट हार्ट बीट एंड थस इट इज कॉल्ड पेस मेकर। अब हम लोग ए भी नोट लिखेंगे बच्चों। अब हम लोग आगे ए भी नोट के बारे में लिखेंगे, तो इसको मिटा ही लेते हैं बच्चों। और अब हम लोग ए भी नोट के बारे में लिखते हैं। मैंने तो वहीं पे समझ लिया था बच्चों, और यहाँ पे अब ए भी नोट जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या इसको हम लोग पेस सेटर बोलते हैं बच्चों। इसमें हम लोग लिखेंगे, तो इसमें हम लोग ये लोकेटेड होता है बच्चों, लोकेटेड इन लोअर लेफ्ट वॉल ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू एबिसेप्टम। और अगला इसमें ए बी नोड में आफ्टर जो कि एस ए नोड के बाद, आफ्टर एस ए नोड इट हैज हाईएस्ट रेट एच ई आई जी एच हाईएस्ट रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन। सो इट इज कॉल्ड पेस सेटर। और आगे का हम लोग लिखेंगे बच्चों, बंडल ऑफ इज
यानी बंडल ऑफ हिच, इसमें हम लोग साइंटिस्ट SCIENTIST साइंटिस्ट नेम लिखे हैं बच्चों इसमें, तो इसमें आगे हम लोग लेंगे ए भी बंडल स्टार्ट, जो भी बंडल होता है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम ए भी नोट से, और पासेस होता है बच्चों ए भी सेप्टम, ए भी नोट स्टार्ट होता है ए भी नोट से और पास होता है बच्चों ए भी सेप्टम से, एंड जो कि इमर्ज यानी मिलता है बच्चों इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ हट, ये इमर्ज होता है टॉप ऑफ हट। क्वार हम लोग बच्चों लास्ट लेक्चर में क्वार हट का डायग्राम अच्छे से देख लेंगे जो कि वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, और ये डेली लाइफ से भी हम लोग को, तो इसके लिए हमारे बॉडी के पार्ट, इसलिए हम इसको सभी अच्छे से क्वार देख लेंगे। तो अभी बंडल स्टार्ट फ्रॉम ए बी नोट पासेस ए बी सेप्टम एंड इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ हट, इट सून डिवाइड्स इन टू, जो कि लेफ्ट सून डिवाइड होता है एंड राइट ब्रांच में बच्चों, जो कि विच ब्रांच में विच रिच अप टू एपेक्स ऑफ हार्ट एंड देन स्प्रेड इनटू वेंट्रिकुलर वाल लिख लेते हैं, और हम लोग परकेंजी फाइबर के बारे में देखते हैं बच्चों। परकेंजी फाइबर क्या होता है, तो वो होता है बच्चों ओरिजिनेट परकेंजी फाइबर जो होता है लेफ्ट और राइट बंडल से ओरिजिनेट होता है बच्चों, और वे इंटर करता है इन वाल ऑफ वेंट्रिकल्स के वाल में इंटर करता है। तो हम लोग परकेंजी फाइबर के बारे में देखेंगे बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं परकेंजी फाइबर, इसमें हम लोग लिखेंगे परकेंजी फाइबर में बच्चों हम लोग लिखेंगे ओरिजिनेट होता है बच्चों ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट बंडल्स वेन, जो कि वेन दे इंटर करते हैं, दे इंटर इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, और इसका हम लोग डायग्राम देख लेंगे। तो ये परकेंजी फाइबर देखिए कहाँ होता है बच्चों, इसमें से नोड और क्या हो तो वो भी देखेंगे। तो ये इस तरह से 4-5 में डिवाइड हो गया बच्चों, तो ये हमारा आरे हो गया राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो और ये जैसे इस तरह से बच्चों ये हमारा एस से ए वी नोड हो गया, और ये यहाँ से पास करता है, ये यहाँ से भेजता है इस तरह से, ये दोनों में डिवाइड हुआ बच्चों, ये रेड कलर का ये इस तरह से फैला होगा, और ये जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी बच्चों ये इस तरह से, तो ये यहाँ पे इस तरह से
जो लेफ्ट वेंट्रिकल में इस तरह से, इसका हम लोग थ्योरी आगे लिखेंगे बच्चों, ये कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। इस तरह से हो गया, फैला होता है। तो यही बच्चों पुर्केंजी फाइबर होता है, ये जो हमने बनाया यही, यहाँ हम लोग मिट जाएगा, इसलिए पहले लेवल कर लेते तो उसके बाद हम लोग। और ये यहाँ पे बच्चों हम लोगों को एशियन नोड होगा, और तो यहाँ पे हम लोग एस ए, ये नोड हो गया एस ए नोड हो गया, जो कि साइनो एट्रियल नोड है। और यह इसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। और ये हमारा हो जाएगा पुर्केंजी फाइबर हो गया बच्चों। और ये हमारा ये पुर्केंजी फाइबर हो गया, और ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये जो कि लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच है, पुर्केंजी फाइबर हो गया। और ये यहाँ पे बच्चों ये हमारा एवी नोड हो जाएगा, ये एवी बंडल, सॉरी बच्चों एवी बंडल। और यहाँ पे ये था ये वाला हमारा ये वाला बच्चों हमारा ये भी बंडल हो गया। तो ये वाला हमारा ए भी नोड हो जाएगा, या एट्रियो ए, या ये भी नोड हो गया, या ए भी नोड हो गया, या एट्रियो वेंट्री कूलर हो जाएगा। ये हमारा बंडल ब्रांच था, जो कि लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच है। और इसको हम लोग ट्रियो, या इसको हम लोग एवी नोड हो गया बच्चों, या इसको हम लोग फेस सेटर भी बोलते हैं। ये वेंट्रिकुलर नोड, या इसको हम लोग पेस सेटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये ए भी बंडल है, लेफ्ट एट्रियम, और ये और पुर्केंजी फाइबर। तो इस दोनों के मिलाकर बच्चों हम लोग बंडल ऑफ हिज बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट पुर्केंजी फाइबर जो डिस्कवर किया था, पीछे हमने लिखा था पुर्केंजी फाइबर नेट फ्रॉम लेफ्ट बंडल ऑफ हिज साइंटिस्ट हमने लिख लिया बच्चों, एक्सपीरियंट ए भी बंडल स्टार्ट फ्रॉम ए भी नोट, ये हमने पीछे लिखा है। तो यहाँ तो ये हमारा बंडल ऑफ हिज हो गया बच्चों। और ये इसको मिलाकर बच्चों ये टोटल को मिलाकर, ये जैसे बोल दे ये पुर्केंजी एवी नोड, और ये सबको मिलाकर बच्चों यहाँ पे हम लोग पूरा लेकर बंडल ऑफ हिज, जो कि पुराने वाले एनसीईआरटी में है बच्चों, ये पुराने वाले एनसीईआरटी में, पूरा रेन्यू में ये दोनों केवल दिया हुआ है, पुराने वाले एनसीईआरटी में दिया है बच्चों। और हम लोग यहाँ पे पुर्केंजी फाइबर देख लिए बच्चों, और अब हम लोग कार्डिक साइकिल के बारे में देखते हैं।
हम लोग को बच्चों लिखना है कार्डिक साइकिल। तो CARDIC कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल में हम लोग लिखे हैं बच्चों ऑल द इवेंट्स ऑकरिंग, जो इवेंट ऑकर होता है बच्चों इन हर्ट इन एक बिट में, जो एक बिट में जो भी इवेंट ऑकर होता है जो हर्ट में, उसको कार्डिक साइकिल बोलते हैं बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे हार्ट रेट। तो हार्ट रेट बच्चों जो नॉर्मल होता है बच्चों 70 to 75 पर मिनट, और जो कि टाइम ऑफ वन बीट का जो टाइम ऑफ वन बीट बच्चों 60 to 75 पर सेकेंड होता है, जो कि 0.8 सेकेंड हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे बच्चों ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, जो कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन कितना होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल बच्चों ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल जो कि हो जाएगा 0.8 सेकेंड। और हम लोग बच्चों ये हो गया कार्डिक साइकिल, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि एक होता है बच्चों सिस्टोल और एक होता है डायास्टोल। और सिस्टोल में बच्चों कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और डायस्टोल में बच्चों रिलैक्सेशन हो जाएगा, और कंट्रैक्शन में बच्चों ये कि जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि ए आर्ट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड होता है बच्चों 0.1 सेकेंड, और ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड हो जाएगा, और रिलैक्सेशन में हो जाएगा जो कि दो होगा, रिलैक्सेशन में एट्रियल डायास्टोल जो कि 0.7 पर सेकेंड होगा बच्चों पर सेकेंड, और एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो कि 0.5 सेकेंड होगा बच्चों। और यहाँ पे कार्डिक साइकिल देख लिए, अब हम लोग जो कार्डिक साइकिल है बच्चों उसको हम लोग फिगर से देखें कैसे होता है। तो कार्डिक साइकिल को हम लोग जो फिगर बाद में स्टेप ऑफ कार्डिक साइकिल देखें, पहले ज्वाइंट डायस्टोल देख लेते हैं बच्चों, ज्वाइंट और आर्ट्रियल। अगले लेक्चर में हम लोग स्टेप ऑफ कार्डिक साइकिल देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे ज्वाइंट डायस्टोल देखते हैं बच्चों, ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में लिखेंगे। ज्वाइंट डायस्टोल बच्चों, तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में लिखेंगे बच्चों, ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में जो कि इसका ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड। और बच्चों इसमें जो कि बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड होता है, और इसमें बच्चों
जो कि ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम ब्लड फ्लो फ्रॉम जो कि मेजर वेना से इनटू इनटू राइट राइट एट्रियम में राइट एट्रियम में एंड फ्रॉम पुलोमनरी वेन और उसके बाद पुलोमनरी वेन से इनटू लेफ्ट एलिएफ्टी लेफ्ट एट्रियम में जाता है बच्चों लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा बच्चों जो कि ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एट्रिया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एट्रिया प्रेशर जो बुल्ड होता है प्रेशर बुल्ड जो प्रेशर बुल्ड अप यानी बढ़ जाता है बच्चों। और उसके बाद आगे लिखेंगे एवी एट्रियम वाल्व होता है एवी वाल्व जो कि ओपन होता है उसके बाद एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल में जाता है। और उसके बाद लगभग 70% ऑफ जो वेंट्रिकुलर ब्लड होता है बच्चों जो फिल इन दिस इसमें जो कि जो इस स्टेज में ज्वाइंट डायस्टोल में बच्चों जो कि 0.4 सेकंड का होता है और बोथ आर्टरी वेंट्रिकल रिलैक्स होता है इसमें दोनों आर्टरी और वेंट्रिकल रिलैक्स्ड लेकिन जो ब्लड फ्लो होता है मेजर वेन से जो राइट एट्रियम में और इसके बाद पुलमोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में बच्चों ब्लड फ्लो होता है मेजर वेन से राइट एट्रियम में और पुलमोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। और हमने बताया था बच्चों कि पिछले जो लेक्चर में हार्ट का जो था उसमें बहुत कंफ्यूज था तो हमने बताया था कि जैसे जैसे आगे लेक्चर जाएगी उस तरह से हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर होता जाएगा बच्चों। लेकिन आपको पीछे से जो पूरे लेक्चर उसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड एट्रिया प्रेशर बिल्डअप होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड आट्रिया में जो जाता है तो प्रेशर बिल्डअप होता है और ए वी वाल्व ओपन होता है ब्लड फ्लो आट्रिया फ्रॉम आट्रिया टू वेंट्रिकल और 20% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड फील होता है इन दिस स्टेज में बच्चों। और इसका हम लोग थोड़ा जैसे ये एवी वाल्व ओपन होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देख लेते कैसे ब्लड फ्लो होता है वो जैसे ये हमारा हार्ट हो गया बच्चों ये फोर्थ पार्ट में ये हो गया और इधर से बच्चों जो कि ब्लड आएगा और ये इधर से आएगा ये हमारा हो गया राइट एट्रियम ये राइट एट्रियम यहाँ से ये राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बच्चों और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में और उसके बाद ये इधर आ गया और ये जो कि ए वी वाल्व ओपन होगा और एस एल वाल्व क्लोज्ड होगा बच्चों तो ये रिलैक्स्ड में है बच्चों। इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। और तो यहाँ पे जो कि ए वी वाल्व है जो बच्चों ए वी वाल्व जो ओपन हो रहा है यहाँ पे ए वी वाल्व ओपन और एस एल वाल्व जो कि क्लोज्ड हो रहा है बच्चों। और तो ये हो गया ज्वाइंट डायस्टोल हो गया जो कि 4 सेकंड का होता है और आर्ट्रियल सिस्टोल जो कैसे नोट से स्टार्ट होता है बच्चों तो उसमें ये हो गया रिलैक्स्ड हो रहा है बच्चों ये इस तरह से फुल रिलैक्स्ड और वो कॉन्ट्रैक्शन होगा जो आगे जो ब्लड हुआ तो ये इस तरह से ऐसे इसमें ऐसे नोट्स जो आर्ट्रियल सिस्टोल के बारे में अब हम लोग देखेंगे उसमें होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों आर्ट्रियल सिस्टोल के बारे में यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टोल था और हम लोग आगे
एट्रियल सिस्टोल के बारे में देख रहे हैं बच्चों। मेरा कितना भी कुछ भी हो बच्चों, तबीयत खराब या, हम आपको लेक्चर ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। केवल आपको प्यार देना बच्चों, माइनर स्टडी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और इसके बाद हम लोग काम की बात करते हैं। एट्रियल सिस्टोल के बारे में हम लोग देख रहे हैं बच्चों, तो एट्रियल सिस्टोल में हम लोग लिखेंगे जो कि बच्चों इम्पल्स, एट्रियल सिस्टोल में इम्पल्स जनरेटेड होता है, इम्पल्स जनरेट होता है बच्चों ऐसे नोट्स पे, और विच आगे विच जो कि स्प्रेड करता है, विच स्प्रेड इनटू इंटायर आट्रिया और लीड करता, लीड करता एट्रियल सिस्टोल में, और लीड एट्रियल सिस्टोल में जो कि विच लास्ट फोर जो कि 0.1 सेकेंड का होता है, और वो 0.4 सेकेंड का। और आगे लिखें बच्चों जो कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आट्रिया जो कि ब्लड बच्चों, ब्लड इज फोर्सफुली पम्प्ड किया जाता है, पम्प जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इनटू वेंट्रिकल। ये तो आपको ध्यान रखना, जैसे इधर ये हो गया हार्ट, मान लिए ये हमारा हार्ट है सपोज, तो ये रिलैक्स करेगा तो इसमें ब्लड आएंगे बच्चों, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये फोर्सफुली जो कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आट्रिया ब्लड जो फोर्सफुली पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल में पम्प्ड किया जाएगा, वेंट्रिकल में पम्प्ड किया जाएगा बच्चों, तो फोर्सफुली पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल थ्रू किसके द्वारा, बाई कस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग 30%